धन्यवाद। मैं आप सबका पत्रकारों को यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसे रणदीप ने कहा, मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक हमने बात दोहराई। और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया, और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है, और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर ही आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, तो ये सोल्यूशन नहीं है, और ये टेम्पररी सोल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सोल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सोल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की, तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं, अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता जाएगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा,
फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे, दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग रेट्स बना रखे हैं, बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट, अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया, वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकेंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा, तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है, ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए, राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है, और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, आप सवाल पूछिए, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी में तो मैं अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। सर, इफ वेरी ब्रीफली यू कैन से इन इंग्लिश, हेल्पफुल सर फॉर दोस फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वी आर फाइटिंग अ वॉर विद कोरोना, सो इफ यू आर फाइटिंग अ वॉर विद समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। It is important to understand that corona is not a single disease. It is an evolving disease. It changes, it transforms. And the only way to stop corona is to remove the space within which it moves. To not give it time to move. There are some temporary ways to fight corona. And then there are permanent ways to fight corona. The temporary ways, what I consider to be a brutal way, but
possibly required under certain circumstances, and what we are going through today, lockdown in Delhi, lockdown in other parts of the country, social distancing, sanitization, masks, these are temporary measures, and they do not stop the virus. They postpone the virus. They slow the virus down. So, for example, when we get rid of the lockdown, the virus will start to work again. It will start to evolve again. It will start to redesign itself. The only permanent way we have of fighting the virus is a vaccine. And it is important to understand, the more time we give the virus, the more space we give the virus, the more likely it is to defeat our vaccine. The more likely it is to mutate and come in another form. And the tragedy is that the government is not understanding the nature of what they're fighting. The government is under the impression that they're fighting the opposition. When it comes to corona, we are on the government's side. I have been saying since February, please understand what you're facing. Understand what this will do to people who do not have enough calories. Give them food. Understand what will happen when those people go back home to the villages. Understand what happens to people with comorbidities. Understand the dangers of the mutation of this virus, not only to India, to the rest of the world. You're creating a liability for the whole planet. Why? Because you are allowing 97% of the population to be attacked by corona. 3% of people have been vaccinated. Half of America is vaccinated. 10%, 8 to 10% of Brazil is vaccinated. What are you doing? You're helping the virus. You're telling the virus, we are not going to vaccinate our population. Do your work. Evolve. Mutate so you can kill more people. 3% of India is vaccinated. Multiple different prices for the vaccination. Different people paying different things. Speculation going on vaccines. At what cost? I'm 100% certain that every single journalist who's watching this press conference is in the press conference has lost somebody. The government is responsible. The Prime Minister is responsible. Clap your hands. Shine your mobile phone. We have defeated corona. It's a fundamental misunderstanding of what is going on. It's ignorance. And what I'm again requesting the government, get your vaccination strategy in order. Do not give the virus space to mutate. It is going to kill again. Lockdown is a temporary solution. The moment you open lockdown, the virus will prepare itself. And I guarantee you, at 3% vaccination, we are going to get a third wave. And it is going to be more brutal than the second wave. And if we continue to leave the space open, if we do not shut the door on the virus, if we do not shut the space for it to mutate, there'll be a fourth wave and a fifth wave. And then there is a chance the vaccine won't work. Everybody says, when I speak, everybody says, oh no, Rahul Gandhi is frightening people. No, I'm not frightening people. I'm trying to save people. Thank you, sir. Thank you.